मेडिकल थ में आपका स्वागत है आज हम इस तरह के रोज़ फ्लावर बनाएंगे ये देखिए और इस तरह के फ्लावर बनाकर आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट पे यूज़ कर सकते हैं जैसे कान्हा जी की ड्रेसिंग पे लगा सकते हैं बच्चों का कोई पौच वगैरह बनाते हैं तो उस पर लगा सकते हैं या फिर आप तोरण वगैरह बनाते हैं उस पर लगा सकते हैं तो कहीं पर भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं और चाहे आप बड़ा बनाना चाहे बड़ा बना सकते हैं छोटा बनाना चाहे छोटा बना सकते हैं वीडियो में मैंने ये बड़ा भी बना के बताया है या छोटा भी बना के बताया है ताकि आपको जहाँ पर भी आपने लगाना है उसके अकॉर्डिंग आप बना सकें और ये मैंने पंद्रह पत्तियों से बनाया है फिफ्टीन और ये मैंने दस पत्तियों से बनाया है टेन तो वीडियो में मैंने ये भी बताया है अगर आपने बारह का चौदह का उससे भी बड़ा बनाना है तो उसे हम छोटा या बड़ा किस तरह से बना सकते हैं तो वीडियो को आप एक बार जरूर सुने और इसके साथ ही अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और यहाँ पर देखिए ये मोती के साथ बनाना चाहते हैं तो मोती के साथ जैसे ये वाले के ऊपर हमने मोती लगाया है लेकिन यहाँ मैंने आपको दिखाने के लिए मोती नहीं लगाया तो मोती के साथ भी बना सकते हैं मोती के बिना भी, भी लगा सकते हैं और इसके लिए मैंने ग्यारह नंबर क्रोशिया यूज़ किया है थ्री एम एम स्टार्ट करेंगे पहले हम चेन बना लेंगे ग्यारह नंबर मैंने क्रोशिया यूज़ किया है थ्री एम एम तो ये एक चेन बनी हमारे पास दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह, पंद्रह सोलह, सत्रह अठारह उन्नीस बीस फोर्टी एट चेन बनाई मैंने अड़तालीस देखिए अड़तालीस चेन बनाने के बाद यहाँ पर हम एक दो तीन चार पांच स्किप करेंगे और सिक्स में हम बनाएंगे डबल क्रोशिया यहाँ पर हम बनाएंगे इसके बाद हम एक दो स्किप करेंगे थर्ड में बनाएंगे डबल क्रोशिया ये डबल क्रोशिया किया हमने उसके बाद दो चेन लिए उसके बाद सेम स्टिच में हमने फिर से डबल क्रोशिया किया तो यहां पर हमने वी बनाई एक वी बना इसे हम वी कहते हैं सेंटर में दो चेन लिए हैं तो स्टार्ट में हमने बिल्कुल यहाँ पर भी हमने वी बनाई है एक हमने ये डबल क्रोशिया लिया है यहाँ पर हमने पांच चेन स्किप की है दो चेन यहाँ पर सेंटर के लिए है जैसे यहाँ पर है तो तीन चेन डबल क्रोशिया की हाइट की है तो यहाँ पर भी ये वी बन जाती है सेंटर में दो चेन आएंगे एक दो स्किप करेंगे थर्ड में बनाएंगे डबल क्रोशिया एक और दो चेन ली फिर इसी स्टिच में डबल क्रोशिया किया एक और दो स्किप की वी स्टिच बनाएंगे सेम स्टिच में इस तरह से आएगा रो को कंप्लीट कर लें एक और दो चेन हमने स्किप की और लास्ट वाली चेन में फिर से हम यहाँ पर वी बनाएंगे सेंटर में दो चेन और सेम स्टिच में हमने फिर से वी बनाई ये देखिए तो इस तरह की वी मेरे पास पंद्रह बनी है फिफ्टीन एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह फिफ्टीन वी बनी है मेरे पास और एक वी बनाने के लिए हमारी तीन चेन यूज़ होती हैं देखिए एक और दो स्किप करते हैं थर्ड में हम वी बनाते हैं फिर हम दो स्किप करते हैं थर्ड वे बनाते हैं तो एक वी वी के लिए तीन चेन मेरी यूज़ होती हैं और हमने 48 लिए थे 48 48 को आप तीन पर डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा 16 आएगा तो जितनी आपको आपने वी बनानी है जितना बड़ा आपको फ्लार चाहिए इस हिसाब से हमने बनानी है सोलह आई है उससे एक सोलह आता है फोर्टी एट को हम थ्री पे डिवाइड करेंगे तो वो सोलह आता है सिक्सटीन उससे एक कम हमारी वी बनेगी पंद्रह वी बनी है मान लीजिए आपने फ्लार छोटा बनाना है तो यहाँ पर मैंने जैसे पंद्रह वी रखी हैं आपको यहाँ पर दस वी चाहिए तो दस वी के लिए आपने ग्यारह वी के हिसाब से चेन रखनी है ग्यारह को आप तीन पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 आएगा का थर्टी थ्री फिर आपने स्टार्ट में थर्टी थ्री चेन लेनी है इसी तरह से अगर आपको यहाँ पर ज़्यादा चाहिए जैसे जैसे आपने यहाँ पर वी, बीस वी से फ्लार बनाना है बड़ा फ्लार बनाना है तो आपको इक्कीस वी के हिसाब से यहाँ पर चेन लेनी पड़ेगी इक्कीस को आप तीन पे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सिक्सटी थ्री आएगा तो फिर तिरसठ चेन आपने स्टार्ट में लेनी है इस तरह से आप छोटा या बड़ा फ्लार बना सकते हैं अब हमने एक चेन ली वर्क को टर्न करेंगे ये हमारा पहला जो डबल क्रोशिया है यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया किया धागा लिया यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे एक दो तीन चार पांच डबल क्रोशिया हम इस तरह से बनाते हैं धागा लिया ये तीन है सात और आठ आठ हमने डबल क्रोशिया बनाए ये हमारी वी है ये दो वी है दो वी के सेंटर में यहां पर हमने ज्वाइन करना है सिंगल क्रोशिया से उसके बाद हमने धागा लिया फिर नेक्स्ट वी में आठ बार डबल क्रोशिया करेंगे एक दो तीन चार पांच छ सात और आठ आठ डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये वी है इस वी से पहले यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया करना है तो इस तरह से आठ आठ आप डबल क्रोशिया हर वी में बनाते जाएं कंप्लीट कर लें तो रो कंप्लीट हो गई ये देखिए लास्ट वी जो हमने बनाई थी बिल्कुल स्टार्ट वाली वी है जो उसमें भी हमने आठ बार बनाया अब हमने यहाँ पर पांच चेन ली थी स्टार्ट करने के लिए तो यहाँ से हमने इस साइड से देखिए ये एक दो तीन थर्ड चेन में हमने ज्वाइन करना है पांच चेन हमने टोटल ली थी स्टार्ट में तो ये थर्ड चेन में स्लिप आ, हमने सिंगल क्रोशिया किया लास्ट वाला उसके बाद एक चेन लेंगे धागा काट देंगे और धागा हम यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा काटेंगे स्टिच करने के लिए तो अब आप हाँ देखिए यहाँ पर जो टोटल मेरे पास पत्तियाँ हैं पंद्रह हैं एक दो तो, तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह अब हम हाँ ये राइट साइड रखेंगे ये देखिए ये डबल क्रोशिये से पता चलता है ये राइट साइड है और ये देखिए इस साइड से पता चलता है ये रोंग साइड है क्रोशिए को आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं तो ये रॉन्ग है ये राइट है राइट साइड से हमने इसे इस तरह से फोल्ड करना स्टार्ट करना है रोंग साइड से इस तरह से ये चेन एक चेन के ऊपर हम दूसरी दूसरी के ऊपर हम तीसरी इस तरह से हम इसे घुमाएंगे तो ये देखिए सुई में मैंने धागा डाल लिया है अब इसे हम स्टिच करेंगे इस साइड से ये देखिए ये लास्ट पत्ते इस तरह से हैं तो पहले हम इसे यहीं पर देखिए पहले हम इसे यहीं पर फिक्स कर देंगे तो अब ये यह यहां पर टिक गई इसके बाद हम इसे स्टिच करेंगे यहां से आप ये सेंटर में आ जाएं। ये जितनी भी चेन है ये देखिए एक ये है एक ये है एक ये है ये सारी चेन साथ आनी चाहिए नहीं तो आपका फ्लार खुल जाएगा तो यहाँ से हम इस तरह से सेंटर में से लेते जाएंगे और इसे स्टिच करते जाएंगे सेंटर वाला जो बिल्कुल स्टार्ट वाला है उसे भी साथ ले ले नहीं तो सेंटर में से आपका फ्लार खुल जाएगा लास्ट में इसे यहां पर पक्का कर दे एक बार और देखिए ये जो है पत, आपका पहला जो पंखड़ी है इसे आपने यहाँ पर फिक्स जरूर करना है अच्छे से क्योंकि ये अगर खुल गई आपकी तो सारा फ्लार खुल जाएगा अगर ये आपको लगे कि ये खुल रही है एक बार इस तरह से और इसे यहाँ से फिर से नीचे ले जाए तो ये यहाँ पर टिक जाएगी और आप इस तरह से अगर मोती लगाना चाहते हैं अगर किसी चीज़ पर आपने लगाना है तो मोती लगा सकते हैं प्लेन रखना चाहते हैं तो प्लेन रख सकते हैं बिना मोती के तो ये आपकी चॉइस है तो ये फ्लार तो मैंने बनाया है पंद्रह पंखड़ियों के साथ तो ये भी देखिए ये फिफ्टीन के साथ है ये जो बनाया है ये मैंने दस के साथ बनाया है तो ये फ्लार आप जैसे कान्हा जी की ड्रेस बनाते हैं छोटी ड्रेस बनाते हैं तो छोटा फ्लार उसके ऊपर लगा सकते हैं और वीडियो में मैंने बताया है आपने फ्लार को छोटा किस तरह से बनाना है और अब हम यहाँ पर छोटे साइज़ का आपको एक बार फिर से फ्लार बना के बता देती हूँ पहले तो मैंने आपको हिसाब बताया है तो फिर भी कमेंट आते हैं कि मैम पता नहीं चलता कैसे बनाना है तो मैं आपको बता देती हूँ छोटा फ्लार हमने किस तरह से बनाना है दस पंखड़ियों का तो ये एक चेन दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सताईस अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस बत्तीस तेंतीस तो थर्टी थ्री मैंने चेन ली है तेतीस और थर्टी थ्री से इसकी दस पुखड़ियाँ बनेंगी एक पुखड़ी बनाने के लिए हमारी तीन चेन यूज़ होती हैं इसमें से तो आपने अगर दस पंखड़ी का बनाना है तो ग्यारह पंखड़ी के हिसाब से हमने चेन लेनी है फिर आपकी दस पौखड़ियाँ बनेंगी क्योंकि स्टार्ट में हम स्किप कर देते हैं कुछ चेन तो तैतीस yes को हम तीन पर डिवाइड करेंगे तो ग्यारह आया तो ग्यारह की बजाय तो ये दस पौखड़ियाँ बनेंगी अगर यहाँ पर आप छत्तीस चेन लेंगे तो छत्तीस को आप तीन पर डिवाइड करेंगे तो वो बारह आएगा तो बारह की जगह आपकी ग्यारह पौखड़ियाँ बनेंगी एक कम बनेंगी इस हिसाब से आप ज़्यादा अगर रखनी है तो ज़्यादा रख सकते हैं जितना आपको फ्लावर बड़ा चाहिए उतनी आप पंखड़ियाँ ज़्यादा बना लें तो यहाँ पर देखिए मैंने पाँच चेन स्किप की हैं एक दो तीन चार पाँच और सिक्स में हमने डबल क्रोशिया किया तो ये हमारी पहली भी बन गई देखिए ये डबल क्रोशिया हमने बनाया है और साइड में तीन की चेन है जो पांच की चेन है उसमें से तीन हमने डबल क्रोशिया की हाइट की ली है दो हमने सेंटर की ली है जो वी के सेंटर में लेंगे उसके बाद एक और दो स्किप करेंगे थर्ड में वी बनाएंगे एक डबल क्रोशिया दो चेन फिर यहीं पर एक डबल क्रोशिया और तो ये वी बन गई फिर एक और दो स्किप करेंगे यहाँ पर वी बनाएंगे, डबल क्रोशिया दो चेन फिर सेम स्टिच में डबल क्रोशिया किया तो इस तरह से ये तीन वी बन गई हमारे पास कंप्लीट कर लें लास्ट में भी ये एक, दो हमने स्किप किए और लास्ट वाली चेन में वी बनाएंगे तो हमने चेन ली सेंटर में फिर सेम स्टिच में बनाया तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास वी कितने बने ये तीन है तीन छः और चार दस इसके बाद एक चेन ली पहला जो हमने डबल क्रोशिया किया है वहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे इसके बाद हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाना है यहाँ पर जो हमने फ्लार बनाया है इसमें हमने आठ डबल क्रोशिया बनाए हैं लेकिन ये हमने फ्लार छोटा बनाना है तो इसमें मैं सात डबल क्रोशिया बनाऊंगी उससे हमारे फ्लार की पत्तियाँ भी छोटी बनेगी और हमने चेन कम ली है तो फ्लार भी छोटा बनेगा तीन चार पाँच छत सात हमने बनाए ये हमारी पहली वी है ये देखिए फिर ये वी है ये वी है इन दोनों के सेंटर में यहाँ से हम क्रोशिया हुक डाल लेंगे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे फिर यहाँ पर सात बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात यहाँ सेंटर में ज्वाइन करेंगे तो कंप्लीट कर लें आप तो ये हमारे पास लास्ट भी है यहाँ पर भी हमने सात डबल क्रोशिया बनाने हैं दो तीन चार पाँच छ और सात इसके बाद हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है इस साइड से देखें ये हमने यहाँ पर पांच चेन लिए थे एक दो तीन थर्ड चेन में हमने देखिए एक दो तीन थर्ड चेन में हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाना है एक चेन लेंगे और धागा काट देंगे थोड़ा सा धागा बड़ा रखेंगे धागा चाहे आप स्टार्ट में बड़ा रख लें चाहे आप लास्ट में रख लें स्टिच करने के लिए तो ये राइट साइड है ये देखिए ये राइट साइड है ये रोंग साइड है पत्तियों की तो राइट साइड से मैंने इस तरह से इसे फोल्ड किया जैसे हमने पहले स्टिच किया है इसी तरह से इसे भी आप स्टिच कर लें तो एक छोटा सा फ्लार हमारा बन गया सेम इसी तरह से स्टिच करेंगे जैसे अभी हमने तो देखिए स्टिच कर लिया मैंने मोती लगाना चाहते हैं तो मोती लगा लें और धागा बड़ा रखेंगे तो जहाँ भी आपने जिस प्रोजेक्ट पे लगाना है इसी धागे का साथ लगा सकते हैं तो ये देखिए बड़े फ्लार और छोटे फ्लार मैंने आपको दोनों बता दिए हैं बड़े प्रोजेक्ट पे लगाने के लिए बड़ा फ्लार है और छोटे प्रोजेक्ट पे लगाना चाहते हैं तो ये छोटा फ्लार है मोती लगाना चाहते हैं मोती लगा सकते हैं और चाहे आप इसे कितना भी बड़ा बना ले चाहे आप इसे कितना भी छोटा बना ले वीडियो में मैंने आपको बता दिया है आपने इसे छोटा या बड़ा किस तरह से बनाना है तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें थैंक यू